दोस्तों ये एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में ये आपको मिलेगा सिर्फ 5499 का और 10% एडिशनल डिस्काउंट फॉर SBI कार्ड होल्डर्स। लेकिन जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये फ़ोन मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, गिव अवे की डिटेल्स वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे। जियोनी मैक्स अब जिंदगी होगी मैक्स। तो दोस्तों इस फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं इस फोन में आपको क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है स्मार्टफोन, इसको जल्दी से हम अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले एक पाउच देखने को मिल जाता है, उसको साइड में रखते हैं। उसके अंदर आपका जियोनी मैक्स स्मार्टफोन रखा हुआ है, तो उसको निकालते हैं हम। काफ़ी लाइट वेट, आई थिंक बैटरी नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था इसके अंदर बैटरी नहीं है, क्योंकि फ़ोन काफ़ी लाइट वेट था उसी से पता चल रहा था। तो बैटरी आपको अलग से सेपरेटली देखने को मिल जाती है, जो कि है 5000 mAh की बैटरी। तो बैटरी कैपेसिटी बहुत सही है प्राइस के अकॉर्डिंग। फ़ोन रिमूवेबल बैक के साथ आता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है इसको, क्योंकि आजकल जो फोन से वो रिमूवेबल बैक के साथ नहीं आते हैं। तो जल्दी से हम फोन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसपे कुछ क्विक स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसमें आपको 6.1 इंचेस की HD+ फुल व्यू डिस्प्ले ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिल जाती है। 13 MP प्लस बोके लेंस इसमें देखने को मिल जाता है, तो मतलब डुअल रियर फेसिंग कैमराज आपको देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की अमेजिंग मॉन्स्ट्रस बैटरी देखने को मिल जाती है। 2 GB रैम है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज है और एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। इसमें आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो मतलब आप 256 GB तक अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये बिल्कुल भी हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, आप एक टाइम पे 2 SIM कार्ड लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बजट में ये तीनों ही ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बैटरी का स्लॉट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 2 SIM कार्ड के स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। ये है SIM 1, SIM 2 और यहाँ पे आपको microSD कार्ड के लिए भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपने SIM 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे SIM 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे 256 GB तक का microSD कार्ड लगा सकते हैं। तो इस फ़ोन में आपको भरपूर स्टोरेज मिलने वाली है। तो जल्दी से हम जो 5000 mAh की बैटरी है उसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी बैटरी है, अब फ़ोन में वजन आया ना, अब लग रहा है कि हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम बैक कवर को इसको सेट कर देते हैं। जो बैक है वो प्लास्टिक बैक है, लेकिन मैट फिनिश के साथ आता है, इस वजह से काफ़ी सही लगता है। इस प्राइस में मुझे कोई शिकायत नहीं है इसके बैक पैनल से। जल्दी से फ़ोन को स्विच ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे जियोनी का लोगो आ गया है, पावर्ड बाय एंड्रॉइड। बॉक्स में आपको चार्जर अडैप्टर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको USB 2 micro USB केबल देखने को मिल जाती है, जो कि एक्सेंट्स कलर के साथ आती है, मतलब अंदर ऑरेंज कलर देखने को मिल जाता है, जो कि छोटी छोटी डिटेल्स ना काफ़ी प्रीमियम बनाती हैं। ऐसी एक्सेंट्स कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो कि प्रीमियम ब्रांड्स में ही आते हैं। फ़ोन के अंदर आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है, तो आपको खरीदने की टेंशन नहीं है। आप फ़ोन खरीदोगे तो आपको साथ में फ्री स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा, तो आप इसे ईजिली अपने फ़ोन पर लगा सकते हैं। तो गाइस फ़ोन को मैंने सेटअप कर लिया है और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस फ़ोन के बारे में, वो ये कि ये काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड को रिजेंबल करता है, मतलब नियर टू स्टॉक एंड्रॉयड ही है। इसमें कोई फालतू की एप्लीकेशंस है नहीं, सिर्फ 1-2 जियोनी की खुद की एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका स्टेटस बार भी काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड को रिजेंबल करता है। सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई, ब्लूटूथ, तो सारी फंक्शनैलिटी है ऑलमोस्ट इसमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है आप लोगों को, तो एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट है। और इसमें एक बार सिक्योरिटी पैच लेवल देख लेते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी के साथ आता है। तो सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करूं तो इसमें करंटली July 5th, 2020 का सिक्योरिटी पैच लेवल है। तो फेस ID की बात करूं तो इस फोन में आपको फेस ID देखने को मिल जाती है, तो आप अपने फोन को अपने फेस से अनलॉक कर सकते हैं। ये 6.1 इंचेस की HD+ डिस्प्ले है, ड्यू ड्रॉप नॉच है, तो देख सकते हो काफी हद तक फोन बेजल लेस ही लगता है। नीचे की तरफ जो चिन है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यार इस प्राइस में आप कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते और आप में से किसी एक को तो फ्री में ही मिलने वाला है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे LCD को आप वार्म कर सकते हो, कूल कर सकते हो, तो बेसिकली जो इसका कलर गैमेट है वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। यहाँ पे आप लोगों को डार्क थीम का भी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत लोगों को आजकल डार्क थीम काफी पसंद है, तो आप लोग डार्क थीम भी यहाँ पे अनेबल कर सकते हो, फॉन्ट साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं
स्टोरेज में जा करके दिखाऊं तो यहाँ पे मोर सेटिंग्स में चल लेते हैं। मोर सेटिंग्स में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्टोरेज देखने को मिल जाती है। 32 GB में से आउट ऑफ द बॉक्स 7.27 GB ही यूज्ड है, अदरवाइज पूरा स्पेस खाली है। तो तकरीबन इसमें आपको जो फ्री स्पेस है वो देखने को मिल जाता है 24.72 GB फ्री है बिल्कुल, और 23% यूज्ड है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड है, ज़्यादा फालतू एप्लीकेशंस नहीं है, ज़्यादा ब्लॉटवेयर नहीं है, इस वजह से फ़ोन स्मूथ चलता है। मेमोरी भी इसमें 2 GB की दी गई है जिसमें से 1.7 GB यूज्ड है, ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है देखने में, बट देखते हैं फ़ोन कैसे परफॉर्म करता है आने वाले टाइम में। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी, मैं बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं हूँ डिस्प्ले क्वालिटी से, डिस्प्ले क्वालिटी इवन मुझे अच्छी लगी। जिस क्वालिटी का इन्होंने पैनल यूज़ किया है ना, डिस्प्ले पैनल, इस प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी सही है, आपको नेकेड आई से पिक्सल्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो देख सकते हो ये जो यूट्यूब वीडियो है ये 720p मैक्स रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है क्योंकि HD+ डिस्प्ले है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वालिटी है कंटेंट की वो ठीक ठाक देखने को मिलती है। आप पिंच इन पिंच आउट भी कर सकते हैं तो अपने हिसाब से आप फुल स्क्रीन पे कंटेंट को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इमर्सिंग एक्सपीरियंस बनाता है। जब भी आप कोई भी कंटेंट व्यू करते हो किसी भी डिस्प्ले पे तो ये भी आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले काफ़ी सही है। अब इसकी एक बार साउंड भी सुन लेते हैं डिवाइस की। तो गाइस साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी लाउड है और आप इजीली मूवीज़ देखना चाहते हैं बिना ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज़ करें या बिना हेडफोन यूज़ करें तो आप इजीली सुन सकते हैं। बाय द वे इसमें हेडफोन जैक आपको देखने को मिल जाता है, तो 3.5 mm हेडफोन जैक इसमें दिया गया है, तो आप अपने ईयरफोन्स ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ़ोन में तो मुझे कोई कमी लगी नहीं है। जो लोग 6,000, 7,000, 8,000 रुपये में कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि 5,500 रुपये में ही आपको जियोनी मैक्स मिल जाता है, जिसकी डिस्प्ले बिल्कुल प्रीमियम लगती है, जिसमें ऑलमोस्ट नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है आप लोगों को। तो पूरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई कमी नहीं मुझे महसूस हुई, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है और सबसे अमेजिंग बात 5,000 mAh बैटरी के साथ आता है। तो मतलब आप इसको 2 दिन 2.5 दिन ईजिली यूज़ कर सकते हो, इसकी बैटरी नहीं ख़त्म होने वाली। तो बिंदास आप इसको अपने वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो और जो अपने मम्मी को या अपने पापा को कोई फ़ोन गिफ्ट करना चाहते हो तो ये फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा उनके लिए, या फिर दादा दादी को देना चाहते हो, या कोई किड है जो पहला फ़ोन अपना ख़रीदना चाहता है तो उन लोगों के लिए जियोनी मैक्स बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहने वाली है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये था जियोनी मैक्स, अब जिंदगी होगी मैक्स। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये फोन पसंद आया होगा। गिव अवे में एंटर करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को 8,000 लाइक्स पर पहुंचाना है। जैसे ही 8,000 लाइक्स हो जाते हैं विनर अनाउंस कर दूंगा। और एक और गिव अवे चल रहा है सैमसंग गैलेक्सी M51 का, उस पर 15,000 लाइक का टारगेट रखा हुआ है, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो तकरीबन 2 स्मार्टफोन्स के गिव अवे चल रहे हैं चैनल पर, आप लोगों को बस लाइक्स का प्यार देना है और मैं आप लोगों को फोन भेज दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है प्रिंस, मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।